हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएमसी मैक्रो प्रोग्रामिंग की क्लास करेंगे जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आएगा। अभी हमने अपनी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें मैक्रो प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम डाल के प्रैक्टिकल रन कराया है मैंने, तो आप ये देखो ये प्रोग्राम रन कर रहा है, ये मैक्रो का ही प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ देखो, ये देखो मैक्रो वेरिएबल्स लिखे ना, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, इफ आर वन लेस देन इज इक्वल टू आर थ्री, गो टू बी लेवल वन, ये मैक्रो का है जो प्रोग्राम अभी रन कर रहा है। तो ये प्रोग्राम रन कर रहा है, पहले ये प्रोग्राम देखो, फिर मैं एक मैक्रो का प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये प्रोग्राम में कब चल रहा है, ऊपर से ना। अभी मैं आपको प्रोग्राम को बनाना भी बताता हूँ। ये प्रोग्राम देखो, ये मैक्रो वेरिएबल्स हैं, दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए लिखा है ना, आर वन इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, इफ आर वन लेस देन इक्वल आर थ्री, गो टू बी, ये मैक्रो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रोग्राम अभी दिखा देता हूँ। अभी मैंने आपको मशीन पर दिखाया था मैक्रो प्रोग्राम जो रन कर रहा था, ठीक है ना। अभी मैं उसको थ्योरेटिकल में एक प्रोग्राम कोई भी लेके बना देता हूं, ओके। मान लो हमारे पास एक वर्क पीस है, हमारे पास जो प्रैक्टिकल के लिए वर्क पीस रहता है मोस्टली वो हमारा ये हमारा x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस, यहां पे ये हमारा 120 है और ये डिस्टेंस हमारी 100 वर्ड पीस है ना। हम इसमें फेसिंग करेंगे तो फेसिंग की मैक्रो बनाएंगे। तो पहले हम कटर को यहाँ पे खड़ा करेंगे, यहां से कटर जाएगा, इसके बाद कटर हमारा यहाँ पे जाएगा, यहां से फिर कटर हमारा शिफ्ट होगा और यहाँ पे चेंज शिफ्ट होके फिर ये आगे को आएगा, ठीक है ना। हमें ये दो बार रूट कराना है और हमारा जो कटर अभी जो मशीन में चल रहा है वो एंड मिल है, तो कटर हमारा एंड मिल है जो कि डाया 8 का, ठीक है। और हम यहां पे स्टेप ओवर लेंगे, वो लेंगे 4.0 का। फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारी जो मैं बीएमसी मैक्रो सीएनसी मैक्रो है, ये दोनों जो है ना कवर हम करते हैं सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग के साथ, है ना। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टेप ओवर, मैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाता हूँ। तो प्रोग्राम बनाने के लिए मैं यहाँ पे फेस मिलिंग मैक्रो इसका नाम दे दिया। नाम देने के बाद G0 G40 G90 ये इसका हेडर होता है जो हम लिखते हैं, G17 G71 और G54। G17 XY प्लेन है, G71 MMA वैल्यू है और G54 हमारा वर्क ऑप्शन है, ठीक है। 54, 55, 56 जो भी हमने ऑफसेट इसमें लिए, ठीक है। इसके बाद G75 Z0 G75 X0 Y0, इससे Z0 हो जाएगा, इससे X और Y दोनों 0 हो जाएंगे। फिर हमारा आता है T01 D1, इससे हमारा टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद M03 S1200 हमने स्पिंडल चला दिया। अब हमें यहाँ पे जो कट कितने का लेना है और कितना कवर करना है, तो टोटल जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ कट हमारी लेनी है 2.0 mm, 2 mm, 2 mm पूरी दो, और ईच कट हमारा वो लेना है 0.5। तो हम यहाँ पे जो कट लेंगे वो 0.5 का लेंगे, और पहली जो पोजीशन हमने जो पोजीशन रखनी है
फर्स्ट पोजीशन वो रखनी है 0.5 पे, तो ईच कट 0.5 है तो इसको लिखने की आवश्यकता। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेप्थ ऑफ कट है 2 का, ईच कट 0.5, तो सीमेंस कंट्रोल में सीमेंस कर, हम फानुक और सीमेंस दोनों की मैक्रो कराते हैं, फानुक की भी और सीमेंस की भी। तो सीमेंस कंट्रोल में जो मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं वो आर से चलते हैं, तो यहां पे इसको तो मैं बना दूंगा आर टू, मान लो आर टू, इसको बना लिया आर थ्री, ठीक है। तो मैंने दो मैक्रो वेरिएबल ले लिए आर टू और आर थ्री। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इनको यहां लिख देता हूं, तो आर वन इज इक्वल टू, अब मुझे आर वन भी लेना पड़ेगा क्योंकि पहली बार हम सेट करेंगे ना, वो 0.5 पे करेंगे, 0.5 पे जितने भी करेंगे तो फर्स्ट कट जो होगा वो हमारा 0.5 पे लेंगे, ये हमारा आर वन हो जाए, तीनों हो गए। तो मैंने आर वन इज इक्वल टू 0.5, आर टू इज इक्वल टू 2.0 और आर थ्री इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। अब मैंने ये वेरिएबल्स की वैल्यू लिख दी जो इनिशियल वैल्यू है, भाई मुझे टोटल 2 mm तक लगना है कट, और हर 0.5 पे सेट करना, हर एक कट 0.5 का होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये तीनों लिख दिए, अब मैं पहले एक्स वाई की पोजीशन कर देता हूं, मुझे पोजीशन यहां करनी है, तो यहां पे पोजीशन करने के लिए लिखूंगा g0x-6.0y0.0, पोजीशन हो गया। एक्स वाई पोजीशन होने के बाद अब मैं जेड को नीचे उतार दूंगा, तो मैं जेड को नीचे उतारूंगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा g0z10.0, 10 पे आ गया। अब मैं और नीचे उतार देता हूं g0z5.0, और नीचे उतार दिया। उसके बाद अब हमारा कट सेट करना है 0.5 का पहला, तो कट सेट करने के लिए मैं यहां पे जगह छोड़ देता हूं, अभी लिखूंगा नहीं, वो मैं बाद में लिखूंगा। तो अब मैं कट सेट करने के लिए लिखता हूं g01z-0.5 feed 100.0। अब मैं यहां पे ये नहीं लिखूंगा, अब यहां पे लिखूंगा आर वन, चूंकि हमारा पहला कट आर वन है, तो मैं लिखूंगा z = -r1। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे z का ये डेप्थ सेट हो गई, इसके बाद g01, अब हमारा जो एक्स वाई यहां पे खड़ा है इसको मुझे यहां लेके जाना है। जब मैं इसको यहां लेके जाऊंगा तो वो 120 और 6 इधर जाए, और ये भी 6 इधर था, तो 120 और 6 126 में चला जाएगा x में, तो g01 x 126.0 y 0.0, और यहां पे फिर दे दो फिर 100.0, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब मैं यहां से ऊपर शिफ्ट करता हूं, जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट, स्टेप ओवर कितने का है हमारा 4 का, तो मैं यहां पे लिखूंगा, मैं g01 में भी कर सकता हूं और g0 में भी, पर सेफ्टी को लेते हुए मैं g01 में करूंगा। तो g01 x तो उतना ही रहेगा लेकिन y हमारा हो जाएगा 4.0 और फीड हो जाएगी 100.0। फीड आपको दोबारा आप देना चाहें तो दें, और नहीं देना चाहें तो फीड को ना दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं यहां पे ये होने के बाद फिर अब वापस आ गया, अब मैं क्या करूंगा, x तो 126 है और सॉरी y में हमने ऊपर उठा दिया ना 4 में हमने स्टेप ओवर दे दिया y में, तो अब मुझे x में फिर लाना है, तो मैं लिखूंगा g01 x-6.0 y 4.0 फिर 100.0, ये हमारा वापस आ गया। तो ये एक बार गया दोबारा आ गया, अब मैं इसको एक बार और लेना चाहता हूं, तो मैं फिर लिखूंगा g01 x-6.0 y 8.0 feed 100.0, मैंने फिर इसको स्टेप ओवर y में दे दिया 8 पे। फिर मैं यहां पर लिखूंगा g01
y में कर दिया 8, 4 का हमारा हो गया 8, अब x 126.0, y 8.0, फीड 100.0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 8 का 4 स्टेप ओवर और दे देता हूँ, 12 कर देता हूँ, तो g01 x 126.0, y 12.0, फीड 100.0, ठीक है। इसके बाद g01 x -6.0, y 12.0, फीड 100.0 दे दिया। अब इसको करने के लिए, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, g01 x -6.0, y 0.0, फीड 100.0, ठीक है। फीड आपको बार बार देने की आवश्यकता नहीं है, बट मैं दे देता हूं, मेरा तो ट्रेनिंग का काम है तो आदत में पड़ा हुआ है, बट आप एक बार दे दी तो बार जरूरत नहीं है, पर मैं, मेरे पास तो नए बच्चे आते हैं ट्रेंड करने होते हैं, पर मेरी आदत में पड़ा हुआ है। अब हमारा यहाँ पे ये पूरा कट कंप्लीट हो गया। इस कट में क्या है, एक्स में -6 वाई 0 पे हमने यहाँ ले लिया, यहाँ पे हमारा z10 z5 अब हमने ले लिया, g01 फिर सेट कट सेट कर दिया 0.5 का, r1 का मान कितना 0.5, x 126 y 0 126 y 4, -6 y 4, -6 y 8, 126 y 8, 126 y 12, और ये हमारा -6 y 12 पे आने के बाद यहाँ पोजिशन, तो ये गया आया गया आया, ये चार बार हो गया। अब हमें क्या है कि डेप्थ ऑफ कट फिर बढ़ाना है, 0.5 का हमें टोटल 4 करना है, तो अब हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, R1 = R1 + R3, R3 में क्या है कि हमारा इस डेप्थ ऑफ कट है, जब ये यहाँ पे करके आएगा तो इस R1 में इच की वैल्यू जुड़ जाएगी, ये वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, जब इसमें ये वैल्यू ऐड हो जाएगी तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करके, अब इसकी यहाँ पे आएगा कंडीशन, इफ R1 इज लेस देन इक्वल R2, गो टू बी लेवल 1, लेवल 1 पे विजिट। अब ये लाइन कहती है कि यदि R1 का मान R2 से कम है या बराबर है तो हमें वापस जाना है, तो हमें वापस कहां जाना होगा, फिर हमें ये रिपीट करना है, तो मैं लिखूंगा यहां पे LEBLE level 1, ठीक है, लेवल वन लिख के, और यहां पे अब देखो पहली बार कट लगेगा तो z = -R1, R1 का मान 0.5 है, तो 0.5 का कट लग गया पूरा, 0.5 का लगने के बाद कंप्लीट फाइनल, फिर हम क्या करते हैं, R1 में जो 0.5 था उसमें 3.5 और जुड़ गया, तो नई वैल्यू हो गई हमारी 1। अब 1 पे जैसे ही होगी तो ये लाइन पड़ेगी कि R1 का मान R2 से कम है तो गो टू लेवल 1, ये है, तो हम वापस फिर लेवल 1 पे आ जाएंगे, लेवल 1 पे आएंगे तो R1 का मान अब हमारा कितना हो चुका 1 mm, अब हमारा 1 mm का कट लगेगा, जब ये 1 का लगेगा तो ये वैल्यू 1 होगी प्लस 0.5, अब ये बन गया 1.5, जब 1.5 बन गया वो कंडीशन वापस पर यही भेज देगी, तो अब ये 1.5 का कट लगेगा, 1.5 का कट लगेगा, कट लगने के बाद 3 हो जाएगा 1.5 प्लस 0.5 2, ऐसे करके फिर हो जाएगा 2.5 2 2.5, अब ये हमारा R1 की वैल्यू R1 में 1.5 और R3 मिला के 0.5 2 हो जाती है, तो 2 में क्या है कि R1 R2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि R2 का मान है 2, तो बराबर होने पर भी ये वापस यहाँ भेज देगा। अब जेड में यहाँ पे -2 का कट लगेगा, 2 का कट लगने के बाद यहाँ पे जो 2 का कट कंप्लीट होने के बाद जो नई वैल्यू होगी वो अब हो जाएगी 2, ये हो गया और 0.5 जुड़ गया 2.5, अब 2.5 पे क्या है कि ये वैल्यू 2.5 होगी और ये 2 है,
तो अब ये कंडीशन मैच नहीं कर रही, ये कंडीशन मैच नहीं कर रही, अब ये वापस इसको नहीं भेजेगा। वापस फिर क्या करेगा ये G75Z0, G75X0, Y0, M05 और M30 ये प्रोग्राम को एंड कर देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा मैक्रो प्रोग्रामिंग सीमेंस के साइकिल से, तो मैं आपको बता दूं सीमेंस और फानु दोनों के मैक्रोज का पूरा कोर्स अवेलेबल है हमारे पास। और मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग अगर आप करते हैं, दोनों का जो चार्ज है मैंने बताया था 4000 है वही है, और सीएनसी बीएमसी मैक्रो अगर साथ में करते हैं तो 1000 रुपीज एडिशनल पे करना होता है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। ओनली 1000 डेल के माटो कट करेंगे दोनों का मिला के ओनली 1000। मेरे कोर्सेज की जो कॉस्ट है ना बहुत मिनिमम है, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है कि आप लोगों की ग्रोथ हो, आगे बढ़े। मेरा 31 ईयर एक्सपीरियंस है तो मैं इसी में लगा रहता हूँ। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल मशीन पर दिखाऊंगा इस चीज को कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है, तो उधर भी ले जाके, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अभी मैं दिखा के लाया था, जो साइकिल रन कर रहा था ये प्रोग्राम ऐसे ही रन करता है। और साथ ही साथ पीएलसी ऑटोमेशन के भी कोर्स है, उसकी जो कॉस्ट है वो भी डिस्काउंट के साथ जो चल रही है हमारी 8000 समथिंग चल रही है। भूषाल सर से बाकी बात कर सकते हैं अगर जो भी पॉसिबिलिटी गुंजाइश है। 5 PLC है, डेल्टा, मिसुबिशी, सीमेंस, होमरोन, एलन रेडली, HMI, स्काडा, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक, CNC मेंटेनेंस भी है, फानुक लैडर डिजाइनिंग भी हम कराते हैं, मतलब मैकाट्रॉनिक्स का काफ़ी कुछ कोर्स ऐसे हैं, क्वालिटी कंट्रोल भी है हमारे पास, है ना, अर्नस्टिल ड्राइंग भी है, बहुत कुछ है। चार्जेस बहुत मिनिमम, लो चार्ज है, मिनिमम है, रजिस्ट्रेशन टाइप के, तो आप चाहें तो उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिकल करके और हल्का सा इसको रिव्यू दिखा दूंगा मशीन पे, ठीक है, मशीन पे चलते हैं। हाँ मैं मशीन में प्रोग्राम को दिखा देता हूँ एक बार, आ जाओ देखो। देखो R1 मैंने बताया था ना, R1 की वैल्यू 0.5 है, R2 की 2 है, R3 की 0.5 है, Level 1 जो बताया था आपको, और G01 Z = -R1 जो बताया था, और मैं इसको ले लेता हूँ R1 = R1 + R3 जो मैक्रो का कंडीशन दिया है, R1 < R2 Go to Level 1 ये पूरा प्रोग्राम है। अगर मैं इसको चलाना चाहूँगा तो रीनंबर करके और यहाँ से मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे रन करा सकता हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से रन कर रहा है, चलता हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है ना कंप्लीट रन करेगा, ये हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है जो हमने लिया है फेसिंग के लिए। अब वाई में जाएगा, जिस एक्स में कवर होने के बाद फिर वाई में क्या करेगा, स्टेप ओवर करेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम जो है ना मैक्रो प्रोग्रामिंग CNC की और BMC की, फानुक सीमेंस, सभी का हम कवर करके चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।